हेलो फ्रेंड्स, होप आप सारे लोग अच्छे होंगे। तो ये आज का जो वीडियो है वो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, व्हाई आई लेफ्ट स्वीडन, मैं स्वीडन से क्यों इंडिया आ गया। तो मुझे कुछ मेरे सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, जिसमें कि उज़मा हुसैन, सुमिंदर, कुछ नाम मेरे को याद है जो लास्ट उन्होंने मेरे को पूछा था। तो ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उन लोगों ने बोला कि आपने इतने सारे वीडियोस स्वीडन के ऊपर बनाए हैं कि वहाँ पर ये बेनिफिट है, ये अच्छा है, वहाँ पर ऐसा होता है, इस तरह का कल्चर है, लेकिन अगर सब कुछ इतना ठीक है तो आप क्यों इंडिया आ गए। या फिर ये बहुत बड़ा डिसीज़न है जिसमें कि अगर कोई इंडिया से मूव होता है तो वो अपना, अगर यहाँ से जॉब छोड़ के या अपना सामान गाड़ी बेच के वहाँ जाता है और फिर वहाँ पर उसको चीज़ें ठीक नहीं मिलती हैं, तो फिर वो ही फील स्टक के मैंने डिसीजन गलत ले लिया, और वहाँ जाने के बाद महसूस करता है कि मैं अब इंडिया वापस कैसे जाऊँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी, जितना पैसा यहाँ मिल रहा है क्या उतने की मिलेगी, या फिर अगर बिजनेस कोई मूव करता है तो वहाँ जाने के बाद फिर आना मुश्किल हो जाता है। और समटाइम हम लोग रिग्रेट करते हैं अपने डिसीजन पे कि हमने पहले क्यों नहीं पूरी तरह से सोचा, या पहले क्यों नहीं हम लोगों ने पूरी तरह से इस पर रिसर्च की कि किस कंट्री जाना चाहिए और क्या इस कंट्री में जाने के बाद कोई डिसीजन गलत तो नहीं हो जाएगा। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप लोग सीख सकते हैं। इनफैक्ट मेरा इसमें कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, बट मैं पर्सनल रीजन को साइड में रख के जो बाकी रीजंस हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा कि वो रीजंस क्या थे। तो पहला रीजन जो मेरा है वो सबसे पहले वेदर से स्टार्ट होता है। 6 महीने वहाँ पर जो एक्सट्रीम कोल्ड होता है वो इतना एक्सट्रीम होता है कि माइनस में टेम्परेचर रहता है, प्लस स्नोफॉल भी होता है कई कई महीने तक। तो एक टाइम पे तो अच्छा लगता है, स्नो पहली बार दूसरी बार होती है, सब वाइट हो जाता है, अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहाँ रहते हो, घूमने और रहने में फ़र्क है, जब आप वहाँ रहते हो तो आप उसको रियल इश्यूज आपको पता चलते हैं कि आपको घर से बाहर निकलना है तो पहले आपको कैप पहननी पड़ेगी, फिर ग्लव्स पहनना पड़ेगा, पूरा मुंह ढकना पड़ेगा, एंड देन हर इतने सारे आपको कपड़े पहनने पड़ेंगे कि आप सोचोगे बाहर जाते ही नहीं है। वीकेंड में अगर कुछ काम या घूमने जाने का मन है तो बेटर चॉइस ये होगी कि घर में ही रहते हैं। तो 6 महीने तो ऐसा हो जाता है कि कोई एक्टिविटी ही नहीं होती वहाँ पर, और लोग घर से कम ही बाहर निकलते हैं। तो एक तो पहला रीज़न ये मेरा एक्सट्रीम कोल्ड का हो गया। अब ये जितने भी रीज़न मैं दे रहा हूँ, हो सकता है ये मेरे लिए रीजंस बड़े हों, बट किसी और के लिए हो सकता है ये स्मॉल रीज़न हो, और या फिर पहले साल उसको ना लगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहले साल बंदा एडजस्ट करता है, देखता है, एडॉप्ट करता है, और हर चीज़ नई होती है, इंजॉय करता है। अगले साल जब वो चीज़ रिपीट होती है तब वो उसको इंजॉय करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक्चुअली में टफ होता है। एंड सेकेंड रीज़न जो मुझे इसका लगता है वो है डार्कनेस, ठंड के साथ साथ 6 महीने, क्योंकि हमारा जो स्वीडन जो और ये नॉर्वे है वो नॉर्थ पोल के पास में है। नॉर्थ पोल मतलब 6 महीने दिन 6 महीने रात। जब मैं 6 महीने रात बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कंप्लीट रात, बट सुबह दिन 9-10 बजे शुरू होगा और 3 बजे रात हो जाएगी। दिन में भी धूप नहीं निकलेगी, हो सकता है कभी 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 बार निकलना है। मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाए हैं पीछे, जिसमें मैंने बताया है यहाँ पे क्या इशू है, लेकिन मेरे रीजंस क्या है वो मैंने एक दिन जब मैं काफ़ी परेशान था, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो रादर देन मैं किसी चीज़ के लिए अगर नेगेटिव सोचूं तो उसके बारे में नेगेटिव बात करूं, उससे अच्छा ये है कि मैंने सोचा कि अच्छा क्या रीजंस है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने वो रीज़न देखे, अपने रीज़न नोट डाउन किया और देखा नहीं, यहाँ ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो वो रीज़न दिए, दूसरा नंबर हो गया डार्कनेस का। थर्ड जो मुझे लगा वहाँ पे वो डिप्रेशन का है। डिप्रेशन कहने में हम लोग को लगता है ये तो मतलब सुना सुना सा वर्ड है, बॉलीवुड में ज़्यादा यूज़ होता है और इतना कुछ नहीं होता डिप्रेशन ये, लेकिन होता है। आप जब वहाँ पर 6 महीने कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, आप स्पोर्ट्स नहीं खेलोगे, आप वहाँ कोई शादियाँ नहीं होंगी, आप आओगे जाओगे नहीं, सोशल जो आपका जो है उसमें भी आप सोशल अपना सर्कल बनाओगे, फ्रेंड्स बनाओगे, लेकिन दैट टू वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक होगा, जिसमें अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हो फिर आपको उसको बुलाना है, हर बार वही एक चीज़ रिपीट होगी, तो वो भी एक टाइम के बाद जाकर आपको बहुत लंबा आपका नहीं चलेगा। तो डिप्रेशन आपको धीमे धीमे ये लगने लगेगा कि आप
आपकी एनर्जी कम हो रही है, आपका एंथ्यू कम हो रहा है, एंथुजियाज कम हो रहा है आपका, तो धीमे धीमे आपको लगने लगेगा कि आई एम नॉट द सेम पर्सन। तो ये आपका ये तीसरा जो मुझे रीज़न लगता है। और दूसरी बात, जैसे किसी को स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, जैसे मुझे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है, क्रिकेट, टेबल टेनिस, पूल, ये अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो कि वहाँ पर कंप्लीट, जैसे स्नोफॉल के टाइम पर आप इंडोर बैडमिंटन खेल सकते हो, कुछ और एक्टिविटी कर सकते हो, हीटेड स्विमिंग पूल होते हैं, लेकिन दे आर एक्सपेंसिव, तो आप कितना पैसा खर्च कर पाओगे वो एक्टिविटीज़ करने के लिए, प्लस वहाँ तक जाने के लिए आपको इतना सर्दी में निकलना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली फिर आप चूज़ करते हो आप घर पे ही रहो वीकेंड में, ठीक है। और 5 दिन ऑफिस जाकर आप जाते हो, तो 5 दिन में वो आना जाना भी बहुत टफ होता है। तो ये तीसरा रीज़न जो है वो मुझे लगा नो एक्टिविटीज़ एंड इट वॉज डिप्रेसिंग। ओके, नौ चौथा रीज़न जो मुझे लगा, जो वहाँ के लोग हैं बहुत ही सिंपल और अच्छे हैं, बट एट द सेम टाइम वो लोग रिजर्व हैं, इतनी जल्दी फ्रेंडशिप नहीं करते। जैसे अमेरिका में अगर आप जाते हो तो अगर आप कहीं खड़े हो तो पहले से ही आपको, पहले से वहाँ कल्चर है, हाय हेलो बोलेंगे इवन तो आपको नहीं जानते हैं, हो सकता है आपसे बात भी करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई आपसे पहले से बात नहीं करेगा। इनफैक्ट ट्रेन में भी अगर आप जा रहे हो और अगर आपने किसी से बात करने की कोशिश की तो आपको शायद रिस्पॉन्स ना मिले अनटिल अनलेस आप उनको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछो। तो थोड़ा रिजर्व होते हैं, थोड़ा साइलेंट होते हैं, एंड ये भी होता है कि मतलब अगर आप ज़्यादा शोर मचा रहे हो या फिर फ़ोन पे तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हो तो उनको उससे भी दिक्कत होती है। तो अपन तो इंडिया से हैं, हमारा नेचर है सबसे बात करने का एंड जल्दी सर्कल फ्रेंड बनाने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे को भी पसंद आए। तो मेरी कोई कंप्लेन नहीं है किसी कंट्री से या कंट्री के लोगों से, इट्स जस्ट दैट कि हमारा कल्चर डिफरेंट है, हम लोग डिफरेंटली और हम लोग कितना बदल सकते हैं एक लिमिट तक, राइट। सो ये मेरा अगला रीज़न था। नाउ इसके बाद जो मुझे अगला रीज़न लगता है वो आइडेंटिटी लॉस का। पहले दूसरे साल में आपको थोड़ा बहुत लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइडेंटिटी लॉस। आप इंडिया से गए, आप वहाँ रहते हो, मान लो आपकी आगे आने वाले बच्चे वहाँ पे होते हैं, वहाँ सिटीजन बनते हैं, तो एक कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग अगर इंडिया में हुई है तो आप वो कल्चर खुद फॉलो करोगे, बच्चों को ही फॉलो करने को बोलोगे, फिर वो बच्चे बाहर जाते हैं, बाहर स्कूल्स में वो डिफरेंट दिखते हैं, वो डिफरेंट एक्सपेक्टेशन आपसे रखते हैं। तो फिर कई बार मैंने ऐसी फैमिली देखी है जो काफ़ी 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले वहाँ पर आ गए थे, बट वो यही डिसाइड नहीं कर पाए, ना तो वो स्वीडिश बन पाए और ना ही वो कम्प्लीटली इंडियन रह पाए। तो आप तो इंडियन ही रहोगे, बाई बर्थ हो और आपने वो देखा है, और आपके एंड टाइम तक भी आप वही पसंद करोगे, और कुछ चीज़ें आप अपनी बदलोगे भी, अपना रहने का तरीका भी बदलोगे, लेकिन आपके बच्चे जो वहाँ देखेंगे तो वैसे ही फॉलो करेंगे, फिर आपके घर के अंदर वो मैच नहीं होता। ऐसा नहीं कि मेरे कोई इशू आया, ये मैंने देखा बाकी लोगों को, उनसे सीखा मैंने कि ये मेरे को भी आ सकता है, और थोड़ा बहुत तो मैं उसको फील भी करने लगा था कि ऐसा होता है प्रैक्टिकली। अगर ऐसा प्रैक्टिकली होता है, अगर आप डाउन द लाइन सेटल हो रहे हो 5 साल 10 साल या आगे आने वाली जनरेशन वहीं पर होगी होंगी, तो ये आइडेंटिटी लॉस, आइडेंटिटी क्राइसिस का सीन होता है, सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग एडजस्ट कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि हम लोग इधर से बिलोंग करते हैं उधर से, लोकल न्यूज़, कुछ लोग मोस्टली लोकल न्यूज़ उनको नहीं पता होता कि जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन सुबह उठते ही वो इंडियन चैनल या इंडियन न्यूज़ लगाते हैं, वहाँ क्या चल रहा है, फिर वहाँ के लिए बहुत परेशान होते हैं, वहाँ पे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, लेकिन जहाँ रह रहे हैं फिर वहाँ को एक्सेप्ट। तो मेरा ही मानना, अगर आप जहाँ रह रहे हो आप उसमें उनकी सोसाइटी, उनके कल्चर को समझो, उसमें एडजस्ट कर जाओ, उसमें मिक्स हो जाओ, यू हैव टू बी इंटीग्रेट, यू हैव टू इंटीग्रेट विद द सोसाइटी जहाँ पे भी आप जा रहे हो। तो ये अगला रीज़न था। उसके बाद जो नेक्स्ट रीज़न है, अपॉर्चुनिटी एंड सेविंग्स। अब अगर आप अपने दिमाग में ये लेके जा रहे हो कि मेरे को वहाँ पर अपॉर्चुनिटी स्वीडन में बहुत अच्छी मिलेंगी, और मेरी अल्टीमेटली जाते हो आप सेविंग्स के लिए कि आप कितना पैसा बनाओगे और कितना पैसा उसमें सेव करोगे, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाने से ज़्यादा, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए 5 लाख रुपए महीने का बनाया, लेकिन रेंट में, जो कि नॉर्मल रेंट और स्कूलिंग या बाकी चीज़ों में अगर आपका
4 लाख चला गया, 3 लाख चला गया, बचा 1 लाख या 2 लाख बचा पर महीने का, और इंडिया में आप पहले से ही लाख रुपए महीने सेव कर रहे हो, एक एग्जाम्पल, राइट। तो आप फिर सोचने लगते हो कि अगर मेरा वो डिफरेंस बहुत कम है तो फिर फायदा क्या है इतना पेन लेने का। तो अगर आप इंडिया में अपॉर्चुनिटीज दिन ब दिन बढ़ रही है, और सेविंग्स भी अगर डिपेंड करता है कि आप किस जॉब में हो और आपको क्या आपको वहाँ पे और साइड बिजनेस करके या फिर किसी तरीके से आपकी वाइफ वर्किंग है, अगर आप दोनों मिला के, ये भी इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे स्वीडन में हो सकता है एक ही वर्किंग हो, दोनों वर्किंग ना हो पाए, ठीक है, बिकॉज के बच्चे को देखने के लिए किसी को घर पे रखना पड़ेगा या फिर हस्बैंड को या वाइफ को। यहाँ पे अगर दोनों वर्किंग है विद दी हेल्प ऑफ आपके पेरेंट्स या माँ बाप है या फिर यहाँ पे डे केयर है, तो आप दोनों का ये देखते हो कि दोनों को मिला के मेरी सेविंग कितनी हो रही है, वहाँ पे अकेले करने के बाद मेरी सेविंग कितनी होगी, अगर दोनों लोग वहाँ पे काम करते हो तो फिर दिक्कतें आती। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है कि अगर ये सब इतना ही अगर मेरे को इंडिया में इससे केवल 50% कम मिल रहा है, सेव हो रहा है, 25% कम सेव हो रहा है, तो बेटर इंडिया है, क्योंकि फिर वह अपने घर पे हूँ, राइट। तो ये भी रीज़न था कि वो डिफरेंस बहुत कम होता जा रहा है, ठीक है। तो वो डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहिए कि आपकी वहाँ पे सैलरी आपको क्या मिल रही है। तो ये मेरा अगला रीज़न था। नेक्स्ट रीज़न मेडिकल सिस्टम। सो मेडिकल सिस्टम वहाँ पर पहली बात फ्री है, बहुत कम कंट्रीज में फ्री है, तो इसमें इस एक ये है, बट उतना ही स्लो है और उनके हिसाब से वो डिफरेंट है। मतलब अगर अगर आपको मान लीजिए खांसी या बुखार है, आप जाते हो, कोरोना नहीं नॉर्मल, तो हो सकता है वो आपको दे ही नहीं, आपको अपॉइंटमेंट ही ना दे, वो सीधे ही बोलेंगे कि आप एक काम करो 5 दिन रुको, अपने आप ठीक हो जाएगा, या आपको कोई चोट लगी है तो आपको बोलेंगे आप जाके वहाँ से वो ले लो, दवाई ले लो, लगा लो, ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन नहीं, ठीक हो जाएगा। समटाइम अगर आपको कोई टेस्ट कराना है या फिर कुछ है, तो हो सकता है कि कई वीक या महीने की वेटिंग हो, क्योंकि आप पे नहीं कर सकते, तो जो डेट दी है उसी पे ही जाना पड़ेगा। तो मेडिकल सिस्टम में कभी कभी अगर आपको बड़ी बीमारियां लग जाए, आप बाहर जा रहे हो पैसा कमाने के लिए और सेविंग करने के लिए, लेकिन अगर आप वहाँ जाके स्ट्रगल करते हो, बीमार हो तो हेल्थ वाइज, तो फिर ये उल्टा भी पड़ सकता है। तो मेडिकल सिस्टम के हिसाब से आपको ये देखना पड़ता है कि मेडिकल केयर में वहाँ पर आपको इतनी जल्दी एडमिट नहीं करते, तो फ्री है लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, तो सबको एकदम से अटेंशन नहीं मिलती है। हो सकता है कि अगर आपके फैमिली में किसी को चोट लग जाती हो, काफ़ी बड़ी चोट लग जाती है, हाथ टूट जाता है या कुछ भी हो जाता है, और आपको बोलते हैं आप 6 घंटे बैठो, अभी वहाँ पर डॉक्टर फ्री नहीं है, तो आपको लगने लगेगा मैं कहाँ गया, मेरे को इससे बढ़िया तो इंडिया में तुरंत केयर मिल जाती है। हालांकि इंडियन सिस्टम भी परफेक्ट नहीं है, यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एटलीस्ट क्योंकि आपका माइंडसेट वही है कि आप देखते हो वहाँ पे ऐसा था, तो आपको पता है कि नहीं यार फ्री है ठीक है, लेकिन ये भी एक इशू है। नाउ नेक्स्ट रीज़न इज ये अब थोड़े पर्सनल रीजंस है कि आई वाज मिसिंग इंडिया फ्रेंकली स्पीकिंग, एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, किसी को नहीं लगता बट मेरे को लगता था। एंड स्पेशली फूड की बारी आ गई, जैसे किसी को खाने पीने का पसंद है तो वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट है, बट उनका लिमिटेड है कि आपको नान मिल गया या फिर आपको थाली मिल गई, ठीक है आप एक ही चीज़ कितनी बार खा लोगे। स्ट्रीट फूड जो इंडिया की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो फैक्टर फॉर मी एटलीस्ट, ठीक है। तो फूड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन ये भी बात है कि आई वॉज मिसिंग माई फैमिली एज वेल, सो और मुझे कोई हेजिटेट नहीं है ये बोलने में, हेजिटेशन नहीं है इस बोलने में कि क्योंकि ये भी एक रीज़न है, तो मुझे बताना चाहिए कि आप वहाँ जाते हो, साल में एक बार आते हो या साल में कोई 2 बार भी आ गया, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी शादियाँ मिस करते हो, कई सारे इवेंट्स होते हैं अपनी फैमिली में जो मिस करते हो, धीमे धीमे उनसे कनेक्शन कम होता जाता है, वो आपसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि आपका कनेक्शन केवल उतना रह जाता है, फ़ोन तक रह जाता है, और फिर आप मोस्टली इवेंट मिस करते हो, तो वो एक रीज़न बनने लगता है धीमे धीमे कि आप डिसकनेक्ट हो रहे हो। फिर वहाँ के सर्कल में भी आप कनेक्टेड, वहाँ का अलग सर्कल बनता है, लेकिन वो एक जीरो से बनता है, नया सर्कल होता है, तो आपका जो अटैचमेंट है वो कई साल लगते हैं अटैचमेंट को डेवलप होने में, एटलीस्ट 5 से 10 साल लगते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए वहाँ रह रहे हो स्वीडन में, तो जिससे आपकी फ्रेंडशिप है, ज़रूरी नहीं कि वो वहाँ पर रुके, आपकी फ्रेंडशिप हुई बहुत अच्छी चली 1-2 साल, पता चला हो उसने कंट्री चेंज कर दी, वो इंडिया आ गया, फिर आप जीरो ग्राउंड पे आ जाते हो। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, ये हुआ है,
ठीक है, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने वापस इंडियन इंडिया में ही फैमिली और फ्रेंड्स को फोन लगातार करते रहते हो एंड फील डिसकनेक्टेड के अरे वहाँ पे तो कोई मुझे मिस ही नहीं कर रहा है या वहाँ पे सब लोग एडजस्ट कर गए हैं। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है एक टाइम के बाद कि आप कनेक्टेड रहो सोसाइटी से। नाउ द नेक्स्ट रीजन इज मेरे लिए सक्सेस क्या है। मेरे लिए सक्सेस का जो डेफिनेशन है इट्स नॉट मनी, मनी तो हम कमाते रहेंगे। डेफिनेशन ये है कि आई कैन चूज वॉट आई वॉन्ट टू डू। हो सकता है कि बहुत सारे काम हम लोग अपनी यंग एज में जॉब में या कुछ ऐसा करते हैं जस्ट फॉर मेकिंग मनी, बट जरूरी नहीं कि हमको वो पसंद हो। बट अगर आप उस लेवल को अचीव कर लेते हो एक पॉइंट पे कि जब आप ये डिसीजन ले सकते हो कि आपको जो पसंद है आप वो करो, तो वो सक्सेस है। तो मेरे लिए ज़रूरी था टू स्टॉप एंड लुक बैक कि इन टुडे करंट सिनेरियो मुझे अब क्या चाहिए। तो मुझे लगा मुझे ये अब वापस से अपनी फैमिली फ्रेंड्स इंडिया फूड कल्चर वो सब चाहिए, तो मैंने वो डिसीजन लिया। और डिसीजन लिया बोल्ड डिसीजन था। कई लोग अभी भी बोलते हैं कि हम लोग लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। तो ज़रूरी है कि देन यू फील ऑल्सो हैप्पी कि आप वो डिसीजन ले पा रहे हो, कि आप उस सिचुएशन पहुंच गए हो। आपका स्ट्रगल अब कम होता रहा है, कम होता जा रहा है, क्योंकि पहले आप डिसीजन ही नहीं ले सकते थे क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि आपको नहीं करना ही करना है, पैसे कमाने करने ऊपर बढ़ते जाना है। भले ही आपको कुछ चीज़ें पसंद आ रही हैं कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, कंट्री या फिर वो जियोग्राफी पसंद आ रही नहीं आ रही है। एंड लास्ट रीज़न जो मुझे लगेगा, हो सकता है कि कुछ लोग को फनी लगे, लेकिन आई वॉन्टेड टू गिव बैक टू सोसाइटी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबकी अपनी डेफिनेशन है पेट्रोटिज्म पेट्रोटिज्म की। कुछ लोग सोचते हैं कि आर्मी में जाने से पेट्रोलिज्म होता है, और कुछ कुछ और सोचते हैं। मेरा ये है कि आपने व्हाट यू हैव गिवन बैक टू सोसाइटी, तो वो भी मेरे दिमाग में एक था जो कि अभी तक मेरा इतना स्टार्ट नहीं हुआ है, जो मैंने काफ़ी सोचा है कि कैसे वी हैव टू बिल्ड आवर इंडिया लाइक दैट, ताकि हमारा भी वीज़ा लेने के लिए लोग लाइन लगाए। तो इट मे बी फनी फॉर सो मेनी पीपल, बट दैट इज समथिंग ऑल्सो मेरे माइंड में था कि समहाउ आज नहीं तो कल इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर लोग वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इट्स नॉट दैट कि कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलनी, बहुत लोगों को इकट्ठा करना है, उनको इम्पोज करना है कि आप करो ऐसा नहीं। अपने इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप कुछ ना कुछ करते हो तो वन डे वी विल बी इन डिफरेंट सिचुएशन। और इफ़ यू लुक बैक 15 ईयर बैक, क्योंकि मैंने ये जर्नी देखी है, 15 साल पहले हम लोग एज ए कंट्री कहाँ थे, आज हम लोग कहाँ हैं और 15 साल बाद कहाँ होंगे। तो ये भी एक रीज़न था कि मुझे लगता था कि नहीं, लाइफ टाइम आई कैन नॉट स्टे आउटसाइड इंडिया, मैं हमेशा के लिए बाहर इंडिया से बाहर नहीं रह सकता। एटलीस्ट आज की सिचुएशन में तो मुझे इंडिया जाना है। फ्यूचर का कुछ पता नहीं है, कुछ सिचुएशन और बदल जाए, कुछ और हो तो वापस जाना पड़े या वापस जाने की सोचो, मैं उसकी भी गारंटी नहीं था। लेकिन ये सारे रीजंस थे, उसमें कुछ पर्सनल भी थे मैंने बता दिए, और कुछ तो जनरल हैं जो कि सबके साथ होंगे, आप उसको इग्नोर ही नहीं कर सकते, वो होंगे ही होंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस सीखो, ऐसा ना हो कि आपने वो डिसीजन लिया, हो सकता है ये रीज़न आपके साथ आपके लिए बड़े रीज़न ना हो, लेकिन जिन लोगों के लिए हैं एटलीस्ट वो सीख सकते हैं और अपने डिसीजन ले सकते हैं। और इवन कंट्री चूज करने में भी डिसीजन ले सकते हैं कि ये जो रीजन है वो इस कंट्री में आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि यूएस ऑस्ट्रेलिया या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में आएंगे। राइट, जैसे मैं बताना भूल गया, लैंग्वेज भी एक रीजन है। राइट, कि लैंग्वेज की वजह से आपको वहां पर इंटीग्रेट होने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि कई साल लग जाते हैं इंग्लिश स्वीडिश लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज सीखने में, फिर उसको लिखने में पढ़ने में। तब तक आप डिस्कनेक्ट फील करते हो, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए आप ऐप यूज़ करते हो, किसी से पूछते हो। तो ये सारे रीजंस थे। तो ये मैं, आप वीडियो बहुत लंबा हो गया तो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। एंड आप लोग मुझे बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। पिछले आई थिंक वीडियो वीडियो के कमेंट सेक्शन में हर्षित ने मेरे को कुछ 5 टॉपिक दिए थे, जिसमें से मैंने 2 कवर कर दिए और मैं और टॉपिक कवर करूँगा। प्लीज़ लेट मी नो। ओके, सो थैंक्स थैंक्स फॉर दैट। थैंक्स अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।